हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, मज़े में। कैसे ली जिंदगी? बहुत बेहतरीन। अच्छी चलनी चाहिए, ख़राब नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको टेबल्स में प्रॉब्लम होती है। सर, हाँ बिल्कुल सही, टेबल्स में। आपको पता है मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैलकुलेशन आपकी अगर वीक होगी तो आप मैथ्स को कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। और कैलकुलेशन मतलब सर कहीं ना कहीं टेबल से कनेक्ट है कैलकुलेशन आपकी। और टेबल आज तक किसी को याद नहीं हुई है, हुई होगी किसी एक आध दो को हुई होगी, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ अगर आपको हुई है तो। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को टेबल में प्रॉब्लम आती है, हाँ ठीक है 10-15 तक की हो जाती है। लेकिन अगर कहीं कोई बात करे सर 73 की टेबल सुनाओ, 29 की सुनाइए, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 1 से 100 तक के बीच में कोई भी अगर आपको टेबल लिखनी है तो कैसे लिख सकते हो। अगर आप उसमें मास्टरी कर लेते हो तो आप उसको कैलकुलेशन में भी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आज का मेन मोटिव हमारा क्या है कि 1 से 100 तक की टेबल्स को हम कैसे लिख सकते हैं विद इन सेकेंड्स में, या फिर बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। विद इन सेकेंड्स, अब फिर भी वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे कर रहे हो उसको, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इतनी बेहतरीन ट्रिक सीखेंगे आज कि आप हर एक टेबल को लिख सकते हो 1 से 100 तक के लिए। कंडीशन है सर छोटी सी कि आपको 1 से 100 तक की टेबल आनी चाहिए। क्या है सर कंडीशन? 1 से 100 तक की टेबल आपको आनी चाहिए। सर थर्ड क्लास के बच्चों को भी आती है तो आपको भी आती ही होगी, ठीक है। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी टेबल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इतना मैं कह सकता हूँ अगर आपने अच्छी तरीके से वीडियो को देख लिया है, ठीक है। सर स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए सर, टेबल को लिखना सीख रहे हैं, फिर उसको आप यूज़ कैसे करोगे वो बाद में समझेंगे, ठीक है। चलिए मान लेते हैं सर हमें लिखनी है 12 की टेबल, ठीक है। 12 की टेबल, ये स्कोर क्यों लगा दिया भाई? 12 की टेबल, टेबल मीन सर पहाड़ा, है ना, आगे पता हो हिंदी में पहाड़ा कहते हैं टेबल को। तो हमें 12 की टेबल लिखना है, कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं किसी को नहीं आती है तो आपको इसमें दो नंबर्स लिखेंगे, 1 दिख रहा है एंड 2 दिख रहा है। दोनों की टेबल लिख लीजिए इंडिविजुअली, दोनों की टेबल लिख लीजिए इंडिविजुअली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन 2 की 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है सर, लिख लिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर आगे बताओगे? हाँ, अब आपको क्या करना है, जो 12 की जो टेबल बनेगी ना वो कैसे बनेगी? सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करोगे, इसकी यूनिट डिजिट लिखिए और इसकी यूनिट डिजिट लिखिए, इसकी यूनिट डिजिट लिखिए, इसकी यूनिट डिजिट लिखिए, इसकी यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट। सर लेकिन इसमें अगर दो वैल्यूज आ गई तो आपको पहले यूनिट डिजिट ही लिखना है और फिर इसकी यूनिट डिजिट लिखनी है, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो इसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 5 + 1, 6 सर, ऐसे सर 2, 1 कैरी फॉरवर्ड 7, 4, 1 सर कैरी फॉरवर्ड 8, 6, 1 कैरी फॉरवर्ड 9, 8, 1 कैरी फॉरवर्ड 10, 0, 2 कैरी फॉरवर्ड 12। तो आपकी 12 की टेबल तैयार होगी बिल्कुल। कितना टाइम लगा? अरे तुमने नोट किया, बहुत ही कम टाइम लगा है। इस टाइप से सर किसी भी नंबर की टेबल लिख सकते हो। सर मजा आ गया सर ये देख के, तो सर कुछ बड़ा नंबर हो जाए, तुम बताओ यार, बता दो, नहीं बता रहे हो। चलो देख लो, 67 की बनाने की कोशिश करते हैं टेबल, 67 की, ठीक है। 67 की टेबल क्या होगी? तो सर 6 की टेबल, 7 की टेबल, ठीक है, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, ठीक है सर, सिंपल आती है सर 6 की, 7 की भी आती है सर हमें, तो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 एंड 70। ओ क्लियर है, ठीक है यहाँ तक, वेरी गुड सर। 67 की टेबल, ओ माय गॉड, यूनिट डिजिट कैरी फॉरवर्ड, अच्छे से करना कैरी फॉरवर्ड, नहीं तो तुम उसमें ही गलती कर दो कहीं। कैरी फॉरवर्ड, यूनिट डिजिट, कैरी फॉरवर्ड, यूनिट डिजिट, कैरी फॉरवर्ड, यूनिट डिजिट, कैरी फॉरवर्ड, यूनिट डिजिट, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है सर, आ गया ना 67 की टेबल। सर विश्वास नहीं हो रहा होगा तुम्हें, तुम कितने काबिल हो, लेकिन अपने आप को तुम पहचान ही नहीं पा रहे थे। अब आ रहा है तुम्हें कितनी काबिलियत है, 67 की टेबल लिख दी तुमने, लिख नहीं पाएगा हम बच्चा, बोल रहा हूँ मैं।
मल्टीप्लाई करने में आपको हो सकता है, आप कहोगे सर ये तो वैसे ही कर देंगे 67 into 167, 67 into 2 3 4 5, तो हो सकता है मल्टीप्लीकेशन में आपको ज़्यादा टाइम लगे, एडिशन में इतना टाइम नहीं लगता है भैया, नहीं लगता है इतना टाइम, इसलिए ऐड आप जल्दी कर सकते हो इन कंपैरिजन टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आप सर ज़्यादा नहीं करेंगे टाइम वेस्ट, एक और टेबल में बताता हूँ और फिर आप एक दो घर पर ट्राई करिएगा, आपको बन जाएगी। ठीक है, तो सर आइए देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, की वॉट सर क्या देख लेते हैं, बोलो ना, बोलते नहीं हो तुम, कहाँ पर, यहीं पर देख लें, इसको रेफर देते हैं यार पहले, फिर देखते हैं वो टेबल। ठीक है, ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भैया, कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम है अपना, कैरी फॉरवर्ड मतलब ये है सीधा सीधा, अपने पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो अपन दे देते हैं किसी को दान में। हाँ, वो बात भी मानते हैं कि ज़्यादातर लोग नहीं देते हैं, वो कहते हैं ठीक है यार रख रहे हैं तो दूसरों का क्या करेगा लेकर, हैं लेकिन थोड़े से दान ही बनिए भैया, अगर आपके पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो दूसरे को डोनेट करिए, खुशी मिलती है उससे, खुशी से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में, पैसा तो बिल्कुल नहीं है, पैसा का तो भी पता ही नहीं है आज है कल नहीं है, इसलिए खुश रहिए और एक अच्छे व्यक्तित्व का इंसान बनिए। ठीक है, अच्छी क्वालिटीज़ अपने डेवलप करिए, ना कि ये कुछ गलत तरीके की। ठीक है, चलिए एक टेबल और लेते हैं सर, कुछ अच्छी सी हो जाए, अच्छे से क्या मतलब है सर आपका, 89 कह रहे हो क्या, 89 ले लें क्या, ले लें 83 ले लेते हैं सर, वर्ल्ड कप जीता था हमारा भारत 83 में, यस 83 ले लेते हैं, 83 की टेबल लेकर बताओ भैया। हाँ सर, बताते हैं, 8 की टेबल आती है सर, हाँ आती है सर, 3 की टेबल आती है, आती है सर, लिख दीजिए 8 और 3 की टेबल, 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80। ठीक है सर, 3 की टेबल, अरे सर 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, क्या सर ये तो मतलब गाना गाते गाते लिख पा रहे हैं, हम तो टेबल इतना सिंपल लगती है 8 और 3 की तो। ठीक है सर, वेरी गुड, 83 की टेबल, क्योंकि क्यों ले रही है आपने ये नंबर, वर्ल्ड कप जीता था हमारा भारत, वर्ल्ड कप हो। ठीक है, तो देख लेते हैं, यूनिट इज इट, कैरी फॉरवर्ड कुछ है ही नहीं है सर करने के लिए, यूनिट इज इट, कैरी फॉरवर्ड कुछ है नहीं है सर, 16 पूरा लिखना है, इसके आगे तो कुछ होगा नहीं कैरी फॉरवर्ड, तो पूरा वही नंबर आएगा, 9 कैरी फॉरवर्ड कुछ होगा नहीं सर, 2 अब होगा सर कैरी फॉरवर्ड, 33 5 कैरी फॉरवर्ड, 41 8 कैरी फॉरवर्ड, 49 1 2 कैरी फॉरवर्ड किसमें सर, अरे 56 में, 58 देन 4 2 कैरी फॉरवर्ड, 66 7 2 74 कैरी फॉरवर्ड, 0 3 कैरी फॉरवर्ड, लो सर बस थोड़ी सी सही है सर, ऑलमोस्ट 83 की टेबल लिख ली चुटकियों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा भैया अपने ऊपर, किसी को बुलाकर चोटी बोटी कटवा लो कुछ, वो कहते क्या कहते हैं समझ रहे हो, उससे कहो एक चाटा मारो हमें, अपने आप में मार के देख लो, तुमने लिखी 83 की टेबल, हो रहा है विश्वास, कोई भी टेबल लिख सकते हो 1 से लेकर 100 तक की, अब इतने काबिल हो गए तुम। अब सर ये तो बता दो लिख लिया यूज़ कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, कैसे बाई चांस आ जाती है तो, आइए देख लेते हैं उसको भी जल्दी से। ठीक है, कर्ज इसको रेस, इसके शॉर्ट लेना तो ले लीजिएगा, कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम चल रहा है बिल्कुल बेसिक से, दोनों नंबर्स की टेबल लिखिए और ऑर्डर भी ध्यान रखना है, जो पहले लिखा वो पहले, जो बाद में वो बाद में, ये नहीं कि 3 पहले 8 पहले तो 38 की बन जाएगी टेबल। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब सर बात करते हैं, अगर कहीं हमें करना है सर क्या, सर क्या बोलो ना, अरे भैया बोलो बोलो बोलो, कहीं अगर आपको करना है 7 into 67। ठीक है, तो आपको पता है भैया 67 into 7, तो 7 into 7 49, 6 into 7 42, इस टाइप से अलग करके दोनों नंबर लिख लीजिए, इसका यूनिट डिजिट कैरी फॉरवर्ड 46 हो गया सर, सर हो गया, अभी 2-2 नंबर्स पे नहीं जा रहे, कंफ्यूज हो जाओगे, 1 नंबर के देख लीजिए कि किसी एक नंबर में आपको 7 के स्टेप से मल्टीप्लाई करना है, आप लोगों से हम तो वैसे ही कर देंगे, हाँ कर दोगे, बट ये कि अगर प्रैक्टिस में आ जाएगी तो आपकी स्पीड थोड़ी सी और एनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी स्पीड, समझ रहे हो। ऐसे सर 9 into 89 करना है तो 9 into 9 81, 9 into 8 72, 1 8 कैरी फॉरवर्ड 80 ले सर, क्या मतलब बहुत सिंपल है सर, आ गए सर, इस टाइप से आई होप आप कर लोगे, तो आपके लिए मैं एक होमवर्क में दे रहा हूँ, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, उस नंबर का दोनों में मल्टीप्लाई कर लिए अलग से और कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम लगा के सॉल्व कर लीजिए, कैरी फॉरवर्ड सॉल्व कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर,
27 की टेबल लिख लीजिएगा एक कमेंट बॉक्स में, एंड एक एक दो नंबर्स और दे दे रहा हूँ उसको ट्राई करिएगा, 6 × 92 एंड 7 × 43। इन तीनों का आंसर भी आप भी हो सके तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे, लगेगा कहीं ना कहीं आप भी मेरे साथ एफर्ट्स दे रहे हो समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। वैसे कहने के लिए तो छोटी सी वीडियो थी और बेसिक ही था, लेकिन मेनली देखा कि टेबल्स को लिखेंगे कैसे हम, ठीक है, लिखेंगे कैसे, बस 1 से 9 तक की आपको टेबल लाइन होनी चाहिए, उसके बेसिस पर आप 1 से 100 तक की सभी टेबल्स को लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको मज़ा आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियोज़ के लिए, चैनल पर बने रहिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूँ, या फिर और किसी के साथ जो कि कैलकुलेशन में दिक्कत आती है उसको, ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, कैलकुलेशन आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैथ केवल कैलकुलेशन ही मांगती है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कब होगी जब आप करोगे मेहनत, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।